हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए जी पंजाबी कढ़ाई की रेसिपी। बहुत ही आसान है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने ऑयल के अंदर जो है वो सारा चिकन जितना आपने बनाना है, जितनी आपकी क्वांटिटी है बनाने की, उतना जो हमने ऑयल के अंदर जो है इसको फ्राई कर लेना है अच्छे से। चिकन को अच्छे से फ्राई करके, यानी कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, तो हमने इसको अच्छे से ऑयल में फ्राई करना है। उसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है वो ऐड कर देना है। तो यहाँ पर हमारा हाफ चिकन जो है फ्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो है वो टमाटर के पीसेस जो है वो कटिंग करके इसके अंदर डाल देंगे। एक टमाटर के चार चार पांच पांच स्लाइसेस की तरह पीस करके वो हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। अनकवर करेंगे और इसको चम्मच से हिलाएंगे अच्छे से। टमाटर जो है हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं और उसने पानी छोड़ दिया है, तो हमने अब जो है हमने अच्छे से इसको पकाना है तेज़, यानी कि हमारी बिल्कुल जो है वो हाई फ्लेम होगी इसको। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक एज टेस्ट, तकरीबन 1 टीस्पून हमने अंदर ऐड किया है। और जी कुछ मसाले यहाँ पर हल्दी है और चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी लाल मिर्च है, और कुछ साबुत मसाले हैं, बड़ी इलायची, साबुत काले मिर्च, और जी थोड़ा सा है हमारे पास यहाँ पर ज़ीरा और दालचीनी और लौंग 3-4। वो सब कुछ इसके अंदर ऐड करेंगे, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे और दोबारा से कवर करेंगे पकने के लिए। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जी लाल मिर्च का पाउडर, तकरीबन 1 टीस्पून है। आप अपने जितना आप स्पाइसी खाते हैं उस हिसाब से आपने ऐड करना है इसके अंदर। हमने यहाँ पर मिर्ची, लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च उसकी तादाद कम रखी थी, क्योंकि हम इसके अंदर ज़्यादा जो है वो हरी मिर्च जो है कटी हुई, बारीक कटी हुई या चॉप की हुई या पिसी हुई, वह इसके अंदर ऐड करेंगे। तकरीबन 2 से 3 चम्मच भर भर के इसके अंदर ऐड करेंगे, क्योंकि हमें जो है वो इसको हरी मिर्च के अंदर ही इसको पकाना है। अब दोबारा से कवर करेंगे, अच्छे से कुक होने के लिए छोड़ देंगे। अब इसको हमने अनकवर करना है और जी 2 चम्मच भर भर के इसके अंदर दही के ऐड कर देने हैं और इसको अच्छे से कुक करना है, और जी इसको दोबारा से कवर करना है और पकाने के लिए रख देना है।
ऊपर से कोई भी कढ़ाई मसाला वगैरह या चाट मसाला जो है इसके ऊपर से हल्का सा स्प्रिंकल करेंगे और जी इसको सर्व करेंगे, थोड़ा सा कवर करेंगे और जी इसको सर्व करेंगे हमारे बहुत ही प्यारे से शीशे के बाउल में। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी पंजाबी कढ़ाई बहुत पसंद आई होगी। तो जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे साथ इसी तरीके से अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे वीडियोज़ को शेयर कर दें और जी लाइक कर दें, कमेंट कर दें और जी ज़रूर ट्राई करें, हमें आके फीडबैक ज़रूर दें, अपनी फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें, बना के खिलाएं उनको और जी तारीफ़ करवाएं। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।